भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशों पर साईंदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल चौक जालंधर में 108 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार से पधारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर लोगों को यज्ञ चिकित्सा एवं विज्ञान प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी जीवन शैली को स्वस्थ एवं निरोग रखने के बारे में बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्य प्रभारी लक्ष्मीदत्त शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राज्य प्रभारी राजेंद्र श्रृंगारी, सीमा श्रृंगारी, पंडित राजेश अमर प्रेमी, सविता कुमारी, अजय सरीन, अरविंद घई, अजय गोस्वामी, सेठ कुंदनलाल, ध्रुव मित्तल, प्रदीप भंडारी, विनोद सेठ, पूर्व विधायक केडी भंडारी, मंजीत शास्त्री, हरमिंदर सिंह अटवाल, अनीता द्विवेदी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। जलंधर वासियों लिए बहुत खुशी की गल है भी अज साईंदास स्कूल के प्रांगण के 108 कुंडिये हवन यज्ञ जो हो जा रहा है। घर घर च स्वामी जी की योजना है भी जिस तरह योग नू घर घर च पहुँचाने का स्वामी जी ने संकल्प लिता है, इस तरह यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ विज्ञान भी घर च पहुँचे, घर घर च यज्ञ होन और बीमारियों तो या जो भी साडे समाज की हालत है वो तो असी उपर उभरीए और यज्ञ चिकित्सा असी एक किसी धर्म के नाल ना जोड़ के तो यज्ञ चिकित्सा अपना के अपने घर सद्भाव और बच्चों जो है संस्कार मिलन, साड़ी पुरानी संस्कृति वापस आए, इस चीज़ को स्वामी जी ने घर घर पहुँचाने का जो संकल्प लिता उसनों असी अगे वधांदियां होया अज 108 कुंडिया हवन यज्ञ कराने जा रहे हैं। तो सारे जलंधर वासियों मुबारक है इस गल की भी साडे यज्ञ देव जी जो स्वामी यज्ञ देव जी हरिद्वार तो चल के आए ने सानू यज्ञ विज्ञान समझान, तो असी उन्होंने बहुत धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन और निर्देशन में आज हमारी प्राचीन परंपरा की विरासत यज्ञ हवन अग्निहोत्र के ऊपर भी आज विभिन्न कार्य चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज यज्ञ चिकित्सा में बहुत सारे अनुसंधान, बहुत सारे अलग अलग शोध हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आज अलग अलग बहुत सारी चीजें सामने आई कि यदि हम अपनी जो सामान्य जीवन शैली जी रहे हैं उस जीवन शैली में यदि 5 से 7 मिनट की यज्ञ विद्या को हम यदि इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा रेडिएशन से बचाव होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव होता है, हानिकारक गैसों से बचाव होता है, वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कण बढ़ने के परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है, गुड हार्मोन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन और न्यूरोकेमिकल्स हमारे बैलेंस हो जाते हैं। मैं प्रिंसिपल राकेश शर्मा साईंदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलंधर की तरफ से पतंजलि के सभी पदाधिकारियों का स्कूल के प्रांगण में स्वागत करता हूँ और स्वामी यज्ञदेव जी का भी विशेष स्वागत करता हूँ कि वे स्कूल के प्रांगण में पधारे और सभी को आशीर्वाद दिया। वैसे तो हमारा जो स्कूल है वो आर्य समाज की एक संस्था है, हम अपने बच्चों को समय समय पर यज्ञ विधि के अनुसरण का विधिवत जो तरीका वो समझाते रहते हैं, और जैसा कि आज स्वामी जी ने बताया कि वे 7 से 8 मिनट के लिए अगर आप हफ्ते के एक दिन या दो दिन समय निकालते हैं तो पूर्ण रूप से जो यज्ञ के लाभ हैं वो सभी प्राणी जो प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस समाज उपयोगी, देश उपयोगी और विश्व उपयोगी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता को एक अपने आप में एक आशीर्वाद समझता हूँ कि मुझे इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला।